ये हल सत्याग्रह का क्या हुआ? हमारे साथी पूछते हैं, कहते हैं वो हल हमने मान सम्मान के प्रतीक के रूप में उठाया था, अभी भी वो पुलिस के पास पड़ा है। सच ये है कि उस हल का सत्याग्रह आज भी जारी है। पुलिस के थाने में उन्होंने रखा, जबरदस्ती हमसे छीना, हमने जिस हल को कंधे पे उठाया था उन्होंने नीचे उतारा, हमने प्रोटेस्ट किया, जेल से हम तो बाइज्जत रिहा हो गए। हल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहले हमें कहा बिल्कुल आपको मिल जाएगा, जब चिट्ठी लिख के हमने मांगा तो पता है क्या जवाब मिला? कि हाँ हल ले लीजिए, लेकिन इस हल को लेके आप कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। यानी कि डर गई है सरकार, डर गई है इस देश की सत्ता, उस हल के प्रतीक से डर गई है। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अब जब हमारे पास पुलिस का जवाब आ गया है, ऐसी गलत शर्त को तो हम मान नहीं सकते। अपने मान और सम्मान के प्रतीक पे पुलिस पाबंदियां लगाए, ये तो हमें स्वीकार नहीं है। हम इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे, जरूरत हुआ कोर्ट कचहरी में जाएंगे, हल वापस लेंगे और उस हल को लेके वहीं स्मारक बनाएंगे। कहाँ? रेस कोर्स में। वक्त लग सकता है, जरूरत हुआ तो किसी और जगह पे एक टेम्परेरी स्मारक बनाएंगे, लेकिन इसलिए ताकि उस हल को ले जाके हम किसानों का स्मारक बनाएं। इस हल को लेके देश भर में जाएंगे, किसानों के पास इस हल तक को पहुंचाएंगे, ताकि किसान के मान सम्मान का प्रतीक पूरे देश में स्थापित हो, ताकि पूरे देश का किसान इस विचार से जुड़ सके और रेस कोर्स पे दिल्ली शहर की राजधानी में प्रधानमंत्री की नाक के नीचे किसान का एक स्मारक हम बनाएंगे।